अपडेट देने के पहले आप लोगों से नव निवेदन है कि कृपया वीडियो को ओपन करने के बाद, देखने के बाद लाइक करें या शेयर करें, कमेंट करें। हमें अभी जीपीओ के पास और आपको अपडेट देने जा रहे हैं जीपीओ आर ब्लॉक फ्लाईओवर का क्या कुछ स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं। सामने है जीपीओ फ्लाईओवर, ये देख सकते हैं मंदिर, हनुमान मंदिर भी यहाँ से दिख रहा है और इस तरफ से जीपीओ की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जीपीओ और जो पोर्टिको वगैरह है कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो जीपीओ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जीपीओ से आर ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए जो काम चल रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब अंतिम चरण में है। ये देख सकते हैं सामने सरिया वगैरह जो है, छड़ वगैरह जो है, उसे शेप में लाया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और उधर जो फ्लाईओवर है उधर भी कुछ काम चल रहा है। ये देख सकते हैं वहाँ पर छड़ को शेप में लाया जा रहा है, बांधा जा रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। ये देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले मैंने जीपीओ का अपडेट दिया था तो काफ़ी काम बैलेंस था, जो कि ज़्यादा दिन पहले मैंने नहीं अपडेट दिया था उसका, लेकिन अभी आकर के मैं देखा हूँ तो देख करके मैं दंग रह गया हूँ कि इतना जल्दी इन लोगों ने इतना काम कर लिया है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, ये छड़ को शेप में लाएंगे और उसके बाद कट करके जो जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कट करेंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर छड़ जो है रखा हुआ है, यहाँ पे नाप करके उस इस तरह से छड़ को ये लोग काटते हैं। ये कट गया, यहाँ पे काफ़ी आसान, इतना मोटा रड जो है ये काट करके अलग अलग करते हैं, काट में उन्होंने एक छड़ को कर दिया है। और इधर काम चल रहा है, ये देख सकते हैं ये अंतिम पिलर है, यहाँ पर काम चल रहा है, अंतिम पिलर है और ये सब सेफ वगैरह बन करके तैयार है, सेफ में है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कंक्रीट हुआ और बस जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये जो तस्वीर है, ये जुड़ने के बाद वहाँ पे जो है बैरिंग को रखा जा रहा है, उसको इसमें लोड रहता है पुल का। ये देख सकते हैं कास्ट करेंगे, बस दो पाया बचा हुआ है कास्ट करने के लिए। उधर से तो मैंने तस्वीर आपको दिखाई दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंक्रीट हो जाएगा और इस लेवल में आ जाएगा, दो पाया मात्र बचा है इनका कंक्रीट होने का और अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक ये जो रोड है ये चालू हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड में ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फरवरी एंड तक ये इसे ओपन कर देंगे। और जब ओपन कर देंगे तो सीधा इनकम टैक्स से आप चढ़ेंगे पुल पर और सीधा इधर आप निकल जाएंगे फ्लाईओवर की मदद से मीठापुर की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, काफ़ी हैवी होता है बैरिंग। ये देख सकते हैं कि बैरिंग को आकर के वो जो सीमेंट का बना है उस पर वो रखेंगे, फिर उसको होल के हिसाब से मिलाएंगे ताकि वो ये देख सकते हैं ये बस रखा गया और इसे लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो रखाएगा, सारे कपड़े हटा करके ये लोग उसमें बस देंगे नर की मदद से। वो काम चल रहा है इसका, ये उधर छड़ वगैरह बांधने का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। कई तरह का काम चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अच्छी कवर है, अच्छी पहल है, ये देख सकते हैं। ये जब पुल जुड़ जाएगा तो सीधे यारपुर से लोग चढ़ेंगे और यारपुर की तरफ से आकर के सीधे ये मीठापुर निकल जाएंगे। अमीदा वाला फ्लाईओवर जब कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा फ्लाईओवर की मदद से बिना किसी जाम की समस्या को महसूस किए हुए लोग सीधा चले जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे या चले आएंगे।
ये देख सकते हैं सरिया जो है शेप में कंक्रीट करने के लिए जो शेप होता है जो सुपर स्ट्रक्चर का, इस शेप में सरिया को यहाँ पर ये किया गया है। ये देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काम चल रहा है। ये छड़ को ये यहाँ पर रखते हैं, कैसे काटते हैं ये देखिए, बहुत ही ये है नाप करके काटते हैं छड़ को। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कट गया, बहुत इजी है। वहाँ पे छड़ को बैंड कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार को मशीन की मदद से छड़ को ये लोग मोड़ते हैं। ये देख सकते हैं सारा कुछ माप का खेला है यहाँ पर। इस तरह से मोड़ते हैं आसानी से, तस्वीर में ये सामने देख रहे हैं। ये जीपीओ फ्लाईओवर अभी फिलहाल इसके बंद हो जाने से एक ही तरफ इसका लोड है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है इस पर, और जब ये चालू हो जाएगा तो जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये देख सकते हैं सामने की तस्वीर आपके सामने है, इसके पहले ओपन करने के पहले भी मैंने दिखाया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस प्रकार से जाम में फंसी हुई है और जाम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा सोचिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोगों को कितना आराम होगा आने जाने में, कितना आराम से लोग अपने गंतव्य स्थान तक आ जा सकेंगे। इसे कंप्लीट करने की तैयारी जोरों पर है और मुझे ये देख करके लग रहा है कि ये चालू हो जाएगा इस महीने के अंत तक या मार्च के किसी भी वीक में ये चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन सीन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।